घना जंगल जीवित है, पक्षियों की चहचहाहट और एक हल्की ब्रीज पत्तों को हिला रही है। दक्षिण पूर्व एशिया के दिल में एक जगह है जहां समय की छांव में छुपे रहकर प्राचीन रहस्यों और अंधेरों की उपस्थिति बनी रहती है। एक छोटा पारंपरिक गांव पेड़ों के बीच बसा हुआ, बांस और घास की छत वाली झोपड़ियां। आदिवासी लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं, काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। सारा कॉलिंस 30 के आसपास एक निष्ठावान मानव विज्ञानी, वो एक छोटी नाव से उतरती है और एक लकड़ी के घाट पर कदम रखती है। उसके साथ एक स्थानीय गाइड कमल उसका सामान लेकर चलता है। स्वागत है सारा जी। जी धन्यवाद, मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूं। ध्यान रहे, गांव के लोग भारी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, इसलिए उनसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। जी बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा अभी बताओ। ए हरिया भरिया, अरे फिर से दोनों ऊपर से आपत्ति दिखाई पड़त है, अरे हर बार का तो यही होवत है, कोई आवत है कोई जावत है, पर हम सब क्या। अरे ये यहाँ कहे आई है। जी मैं आपकी संस्कृति को समझने आई हूँ, मैं आपकी संस्कृति का अध्ययन करने आई हूँ। अरे आप कहा कह दो, आप जैसन आए गए, पर हम सबन के समस्या तो जस के तस है। देखो कमल भाई, हम गाय दीदी पे भरोसा रखना चाहिए, हर कोई एक जैसा नहीं होता। खप्पन गुस्से से जंगल की तरफ चला जाता है तथा सारा और कमल गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव की औरतें सुबह सुबह तालाब पर पानी भरने आती हैं और आपस में बातें करती हैं। जंगल की तरफ बढ़ती हैं और पाती हैं कि जहाँ से वो अक्सर लकड़ियाँ लाया करती थी वो जगह मैदान सा पड़ा है। सारा झोपड़ी के सामने गांव के मुखिया हाकान 50 के आसपास और तारिक गांव का आध्यात्मिक नेता से अपने गांव आने के उद्देश्य की चर्चा करती है। अरे
आपके लिए बनवाया गया है। किस किस चीज से बना है? एक चावल है, शेर के खून में बनाया गया है। आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? जी मैं आपकी संस्कृति का अध्ययन करने आई हूँ। क्यों? ताकि मैं आपकी संस्कृति को समझ सकूँ। देखिए, आपसे पहले भी कुछ लोग हमारा अध्ययन करने आए थे, मगर उन्होंने बाहरी दुनिया में जाकर हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया। जी मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। कहना आसान होता है, करना कई गुना मुश्किल। जंगल पवित्र है, इसकी निष्ठा पूर्वक रक्षा करते हैं। आशा है आप हमारे समुदाय के सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करेंगे। जी बिल्कुल, मैं सावधान रहूंगी। शांत है, कुछ लालटेन जलती हैं, जबकि सारा गांव में टहलील करती है। वो गांव के किनारे एक अजीब चिन्ह को घेरे हुए एक पेड़ पर ध्यान देती है। ये चिन्ह, ये कुछ दिलचस्प है। क्या इसका कोई विशेष अर्थ है? सारा के साथ कमल जंगल के भीतर चलते हैं। वातावरण में तनाव महसूस होता है और कमल चुपचाप रहता है। जंगल में ऊंचे पेड़ और पेड़ की छाल पर अजीब चिन्ह है। एक अजीब सा एहसास सबके बीच है। सारा ध्यान पूर्वक नोट्स लेती है और तस्वीरें खींचती है। पवित्र जंगल कितनी दूर है? बहुत दूर नहीं, लेकिन इसे हमें परेशान नहीं करना चाहिए। अचानक एक जोर से भयानक आवाज जंगल में चारों ओर गूंजती है। कमल झिझक जाता है और सारा का कैमरा हिल जाता है। ये क्या था? अरे नहीं, रुको। रात्रि में सारा झोपड़ी में अकेली है, अपने नोट्स की समीक्षा कर रही है। दरवाजे पर एक हल्की थपथपाहट होती है। ये तारिक चिंतित दिखते हुए, आप कौन है? मैं तारिक, धन्यवाद। चिंतित क्यों दिख रहे हैं? यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि आप नहीं समझती, आप उन्हें आकर्षित कर रही हैं। मगर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आप अलग हैं, हम सबसे बिल्कुल परे। आपकी सोच हम सारे गांव वालों से अति उत्तम, इसीलिए आप ही हैं जो कि बाहर की नजरिए से हमें जान सकती, अंततः हमारी मदद कर सकती है। सारा चुपके से अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है और पवित्र जंगल की ओर बढ़ती है। पहले की तरह एक और अजीब आवाज सुनाई देती है। जंगल में बढ़ती जाती है। वो पवित्र जंगल में पहुंचती है और देखती है कि इसे नुकसान पहुंचाया गया है।
चिन्ह बिखरे हुए हैं। कोई है क्या? कोई है यहाँ? अचानक वो कुछ कदमों की आवाज सुनती है, वो मुड़ती है, लेकिन कोई नहीं है। वो एक छायादार आकृति को देखती है जो पेड़ों में गायब हो रही है। छिपी गुफा में पहुंचती है जहां कबीलाई किंगारियां उसका ध्यान आकर्षित करती हैं। वो सावधानी पूर्वक अंदर जाती है और एक छोटे समूह को देखती है जिसमें रवि और अन्य आदिवासी सदस्य शामिल हैं, जो आग के चारों ओर एक अनुष्ठान कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? देखो, ये एक वर्जित अनुष्ठान है। हम जंगल की शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम अपने भाग्य को बदल सके और जंगल पर अपना अधिकार प्राप्त कर सके। क्योंकि तुमने यहाँ पर इसमें बाधा उत्पन्न करी। ये हमारा एकमात्र मौका था जिसका तुम्हें खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इस जंगल को खतरे में नहीं डाल सकते। इसका खामियाजा तुम जरूर भुगतो। अचानक एक छायादार आकृति सामने आती है। ये मिस वॉटसन, एक आत्मविश्वास से भरी व्यापारी। आहा, बाहरी में बिल्कुल सही समय आए। आप कौन हैं? मैं प्रगति का दूत, जनजाति को गुमनामी की जिंदगी से मुक्त करने आई हूँ। इनकी मदद करना चाहती हूँ। आप इनकी मदद नहीं करना चाहती? आपका ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। जानते क्या हो? ये पेड़, पहाड़, पर्वत, जंगल, देखो इन सबको, क्या कुछ नहीं बच सकता। शहर बनवाऊंगी मैं, शहर। बिजली आएगी, गाड़ी आएगी, बच्चे पूरे सबको काम में लगाऊंगी। बस एक बार ये मायावी शक्ति मेरे हासिल हो जाएगी, फिर देखो। आप ऐसा नहीं करने वाली है, आप झूठ बोल रही है। देखो मैं चाह रहा हूँ, रोक पाओगी तुम मुझे? आप जब जाति को खतरे में नहीं रख सकती। तुम कैसे कैसी होगी? इनकी जिंदगी में बदलना चाहती और तुम इसमें बाधा बन रहे हो। बहुत कोशिश करना मेरे रास्ते में बाधा बनने की। मेरे पास सब साधन है, प्रभाव है। भगवान हूँ मैं इन सबकी। भगवान? कोई भगवान नहीं है। आप क्या बनना चाहती है? तनाव बढ़ता है जब वॉटसन के लोग सारा को चारों ओर से घेर लेते हैं। उसे समझ में आता है कि उसे गांव को चेतावनी देने के लिए भागना होगा। सारा गांव में लौटकर मुखिया हाकान और तारिक को स्थिति से अवगत कराती है। हमने आपको चेतावनी दी थी, फिर ये कैसे हुआ? मैं नहीं जानती थी, लेकिन हमें जल्दी ही कार्यवाही करनी होगी। हम अभी भी उन्हें रोक सकते हैं। हमारी जंगल, हमारी शक्तियों की रक्षा करनी होगी। तो चलो तैयारी करें। गांव वाले मुकाबले के लिए तैयार हैं। वॉटसन की टीम आती है, सुसज्जित और तैयार। गांव वाले मुखिया हाकान और तारिक की अगुवाई में अपनी जमीन पर डटे रहते हैं। मुखिया, अपनी बात है, रास्ता खाली कर। तो इसके सबको परिणाम भुगतना पड़ेगा। वक्त तो आखिरी आपका है, आप रास्ता आप कीजिए अपना। आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अच्छा, ये जंगल, ये शक्तियाँ, ये परंपरा, सब मिलके उसे नियंत्रित करना, तुम उसे अपमान नहीं कर सकती। तारीफ,
हमें जल्द ही अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। हमारी सारी शक्तियाँ एकजुटता में, हमें तुरंत ये पारंपरिक अनुष्ठान को पूरा करना होगा ताकि जंगल की सारी शक्तियाँ अपने साथ हो। गांव वाले एक साथ मिलकर पारंपरिक अनुष्ठान करते हैं। शायद मैं आप ना कर सकूं।